जब सुष्मिता सेन के साथ इंटीमेट सीन में बहक गए मिथुन चक्रवर्ती। फिल्मों में इंटीमेट सीन के दौरान अक्सर अभिनेता अपना नियंत्रण खोते रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले कम ही लोगों के सामने आए। डॉट लेकिन जब आए तो खूब हंगामा मचा। एक बार मिथुन चक्रवर्ती पर भी सुष्मिता सेन ने ये इल्जाम लगाया था कि इंटीमेट सीन के दौरान उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। डॉट लेकिन बाद में खुद सुष्मिता सेन अपनी बातों से मुकर गई। वाक्या कल्पना लाजिमी की फिल्म चिंगारी के दौरान का है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन के बीच बेहद बोल्ड सीन फिल्माया जाना था। फिल्म के पहले दिन से ही सुष्मिता और मिथुन चक्रवर्ती के बीच अनबन थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और ऐसी स्थिति में मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन के बीच एक बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन फिल्माया जाना काफी मशक्कत का काम लग रहा था। डॉट लेकिन कल्पना लाजिमी ने माहौल की तनाव मुक्त बनाने की कोशिश की और दोनों इसके लिए राजी हो गए। शूट का पहला दिन था और पहले ही दिन एक रेप सीन शूट किया गया। इस सीन को करने के लिए दोनों को कई रीटेक देने पड़े, लेकिन जब फाइनल टेक हुआ तो सुष्मिता गुस्से से दनदनाते हुए सेट से चली गई। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वो फिल्म की निर्देशक कल्पना लाजमी के पास गई और उन्हें बताया कि मिथुन ने रेप सीन शूट के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ। निर्देशक ने यह कहकर बात टाल दी कि वो अनजाने में हुआ होगा। सुष्मिता ये बात कतई मानने तो तैयार नहीं थी, वो अपनी बात पर अडिग थी। वहीं मिथुन सुष्मिता सेन के ऐसे इल्जाम से बुरी तरह टूट गए थे। सुष्मिता के इस आरोप से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हालांकि बाद में सुष्मिता सेन खुद ही अपने बयान से मुकर गई और कहा कि वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर एक्टर की बेहद इज्जत करती हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो हाय तौबा मचा देती। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों के इस रेप सीन शूट ने खूब सुर्खियां बटोरी।